क्लास थ्री ओपन यू चैप्टर नंबर थ्री इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज 7। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। फिर हमने एमएस विंडोज 7 के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसके स्क्रीन और डेस्कटॉप के बारे में लर्न किया था। नाउ ओपन योर पेज नंबर 26। आइकन्स, आइकन्स स्मॉल पिक्चर होती हैं डेस्कटॉप पे, ये इन पिक्चर्स को हम कहते हैं आइकन्स। जब भी आप डबल क्लिक करते हैं आइकन्स पर, एक फाइल या प्रोग्राम ओपन हो जाता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है? द पिक्चर एंड इमेज डेट अपेयर ऑन द डेस्कटॉप, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे कि ये जो आपको कलर्स नज़र आ रही हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है। टास्क बार, द बैंड और स्ट्रिप लाइक अ एरिया एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, इसे कहते हैं हम टास्क बार। बिल्कुल इस तरह से एक एरिया आपको नज़र आ रहा होता है अपनी एमएस विंडो 7 की स्क्रीन पर, जस्ट लाइक, ठीक है, इसे हम कहते हैं टास्क बार। क्लॉक, यू कैन सी टाइम एंड डेट इन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। आप टास्क बार के राइट साइड पर अपना टाइम और डेट को देख सकते हैं, ये जब अपने टास्क बार के राइट साइड पर आपका डेट और टाइम मेंशन होता है। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन आपके लेफ्ट कॉर्नर पर होता है टास्क बार के, जिससे आप कहते हैं स्टार्ट बटन, ये आपका स्टार्ट बटन होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट रन। रन ऑप्शन हेल्प करता है स्टार्ट करने में प्रोग्राम को। टू रन एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले आप क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, एक मेन्यू स्क्रीन अपीयर हो जाती है बिल्कुल इस तरह से। मूव द माउस पॉइंटर टू जस्ट बिलो द ऑल प्रोग्राम, आपने अपने माउस पॉइंटर को मूव करना होता है ऑल प्रोग्राम की तरफ। ऑल प्रोग्राम जहाँ पे तमाम आप ब्लैंक स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है इसे आप कहते हैं, इस ब्लैंक स्पेस आपके पास प्रोवाइड होती है, इस स्पेस को आप कहते हैं सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल ऑप्शन। यहाँ पे आप अपने कोई भी जो प्रोग्राम आपने सर्च करना होता है उसका नेम टाइप करते हैं। नंबर थर्ड, टाइप रन बाय यूजिंग कीबोर्ड, आप रन को टाइप करते हैं कीबोर्ड की मदद से। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और बिल्कुल इस तरह से एक लिस्ट ऑप्शन की अपीयर हो जाती है। नंबर फोर, आपने अपने मूव करना होता है माउस पॉइंटर को रन ऑप्शन पे और प्रेस करना होता है एंटर को, एक न्यू स्मॉल विंडो अपीयर हो जाती है आपके स्क्रीन पर, जहाँ पे आप अपने नेम को टाइप करते हैं, प्रोग्राम के नेम को टाइप करते हैं जो कि आप ओपन करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम का नेम आप टाइप करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके टू ओपन इट।